हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज से हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं प्रश्न रसायन, जो कि लेसन नंबर 5 है और हमारे एग्जाम में ये 4 नंबर का लेसन है और इसमें 2+1+1 कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 नंबर का है ये और इसमें अंक विभाजन है वो 2+1+1 इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो हमारे पेपर में 28वें नंबर से लेकर के 30 नंबर वाले तक जो प्रश्न आते हैं, 28वां, 29वां और 30वां, वो 4-4 नंबर के आते हैं और 4-4 नंबर वाले में इस लेसन से प्रश्न पूछा जाता है जो कि 2+1+1 इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में होता है। तो यहां ध्यान देना, प्रश्न रसायन, और बात करूं मैं सरफेस केमिस्ट्री प्रश्न रसायन, तो रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली यानी ऊपरी भाग पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वह पृष्ठ रसायन कहलाती है। और इसमें सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं वो पढ़ते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा है अधिशोषण। क्या बोलोगे? अधिशोषण, अधिशोषण जिसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में, एडजॉर्प्शन याद रखना, अधिशोषण। अब सुनिए क्या होता है अधिशोषण। जब किसी ठोस पदार्थ को आप किसी द्रव अथवा गैस के संपर्क में लाओगे, जब किसी ठोस पदार्थ को, सॉलिड को आप किसी द्रव और किसी गैस के संपर्क में लाओगे, तो वो गैस और वो ठोस, सॉरी, वो गैस और वो द्रव यदि उस ठोस के केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो जाए तो इस घटना को हम अधिशोषण कहेंगे। फिर सुनिए, यदि आप किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव और गैस के संपर्क में लाओ और संपर्क में लाने पर वो द्रव और वो गैस पदार्थ, ठीक है ना, वो द्रव और वो गैसीय पदार्थ उस ठोस के केवल ऊपरी ऊपरी भाग पर ही संचित हो, तो इस घटना को हम बोलेंगे अधिशोषण। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, आप देखिए, वैसे स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप समझिए। जैसे आप चौक को पानी में डालते हो, लिखने वाला चौक, उस चौक को आप पानी में डालकर और बाहर निकाल लीजिए, जल्दी से बाहर निकाल लीजिए पानी में डालते, तो आप देखोगे कि चौक है वो केवल ऊपरी ऊपरी भाग है, उस पर से गीला होता है, अंदर तक गीला नहीं होता है, तो एक प्रकार से वो घटना अधिशोषण है, ठीक है ना। वो ठोस पदार्थ वो चौक हो गया और उस चौक को चाहे तो आप किसी गैस में डुबो रहे हो या फिर आप उसे किसी द्रव में डुबो रहे हो, और ऐसा करने पर वो द्रव और वो गैस उस चौक के केवल ऊपरी ऊपरी भाग पर आकर संचित हो रही है, तो मैं इस घटना को अधिशोषण बोलूंगा। तो एक बार, तीसरी बार फिर सुन लीजिए, जब किसी ठोस को किसी द्रव और किसी गैस के संपर्क में लाए जाए और संपर्क में लाने पर वो द्रव और वो ठोस, वो गैस पदार्थ, वो द्रव और वो गैसीय पदार्थ यदि ठोस के केवल ऊपरी भाग पर ही एकत्रित हो, उस ठोस के केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो, कौन, वो ठोस के, वो द्रव और वो गैस, वो द्रव और वो गैस उस ठोस के केवल ऊपरी भाग पर ही संचित हो, ऊपरी भाग पर ही एकत्रित हो, इस घटना को हम अधिशोषण कहेंगे। क्या बोलेंगे? अधिशोषण। तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव और किसी गैस के संपर्क में लाया जाए और संपर्क में लाए जाने पर वो द्रव और वो गैस उस ठोस के केवल ऊपरी ऊपरी भाग पर ही एकत्रित हो, संचित हो, इस घटना को हम अधिशोषण कहेंगे। और इसका सामान्य सा उदाहरण चौक की, चौक को पानी में डुबोने पर, चौक को आप पानी में डुबोगे या किसी गैस में डुबोगे, तो डुबोने पर और बाहर निकालने पर देखा जाए तो चौक का केवल ऊपरी भाग है वही गीला होता है, तो इस घटना को हम अधिशोषण बोलेंगे। और अधिशोषण से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं और है, जैसे बात करें हम अधिशोषक की, किसकी, अधिशोषक की, अधिशोषण के अंतर्गत ही
एक आएगा अधिशोषक और एक आएगा अधिशोष्य। मैं इनकी लगातार बात कर लेता हूं। अधिशोषक की बात करते हैं, जिसको आप एडजोर्वेंट बोलते हो, एडजोर्वेंट, ठीक है ना। अधिशोषक एडजोर्वेंट कहलाता है, एडजोर्वेंट कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे कि जिस पदार्थ की सतह पर, जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर एकत्रित हो जाता है या संचित हो जाता है, जिस मूल पदार्थ की सतह पर या पृष्ठ पर और कोई दूसरा पदार्थ आकर के संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उस मूल पदार्थ को अधिशोषक कहा जाता है। वह मूल पदार्थ जिसकी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर संचित अथवा एकत्रित हो जाता है, तो उस मूल पदार्थ को अधिशोषक कहा जाता है। इसी प्रकार अधिशोष्य, तो सुनिए फिर, जब किसी मूल पदार्थ की केवल ऊपरी सतह पर, जब किसी मूल पदार्थ की केवल ऊपरी सतह पर जो पदार्थ आकर संचित होता है, किसी मूल पदार्थ की केवल ऊपरी सतह पर जो पदार्थ बाहर से आकर संचित होता है, तो उस बाहर से आने वाले पदार्थ को अधिशोष्य कहा जाता है, अधिशोष्य कहा जाता है। इन दोनों का एग्जांपल देके बताऊं तो आप वही मानिए, जैसे आप रुई को और जल में डुबोते हो, तो रुई तो यहां एक प्रकार से इस अधिशोष्य और अधिशोष्य का एग्जांपल, स्टिक एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो अवशोषण की घटना होती है। तो हम यहां चोक का एग्जांपल ले लेते हैं। चोक, ध्यान दीजिए, चोक अपनी सतह पर जल को अधिशोषित कर रहा है, तो चोक स्वयं खुद मूल पदार्थ है, तो चोक तो हो गया अधिशोषक, और जो पानी उसकी ऊपरी सतह पर संचित हो रहा है वो पानी हो गया अधिशोष्य, वो पानी कौन हो गया अधिशोष्य। तो जब किसी मूल पदार्थ की सतह पर और बाहर से आकर के जो पदार्थ संचित होता है, तो वह बाहर वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है, और जिस मूल पदार्थ की सतह पर जो पदार्थ बाहर से आकर अधिशोषित होता है, तो उस मूल पदार्थ को हम अधिशोषक बोलेंगे। आप थोड़ा सा इसमें अंतर करके याद रखना। और फिर बारी आती है परिभाषा में अंतराप्रस्थ की। अंतराप्रस्थ, जिसे आप इंट्रा सरफेस बोलते हो, इंट्रा सरफेस कहते हैं जिसे हम, इंट्रा सरफेस। तो अब सुन लीजिए, इंट्रा सरफेस में आप क्या बोलोगे? आप ऐसे बोलना कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य जिस स्थान पर आकर संचित होता है, कि अधिशोषक की जिस सतह पर, जिस स्थान पर आकर के अधिशोष्य संचित होता है, उस स्थान को, उस पृष्ठ को अंतराप्रस्थ कहा जाता है। यानी जब अधिशोषक की सतह पर आकर अधिशोष्य संचित होता है, तो उस स्थान को, उस विशिष्ट स्थान को और हम अंतराप्रस्थ बोलते हैं। तो जब अधिशोषक की सतह पर कोई अधिशोष्य बाहर से आकर संचित होता है और जिस स्थान पर, जिस निश्चित स्थान पर वह संचित होता है, कौन? वो अधिशोष्य। उस अधिशोषक की सतह पर जिस निश्चित स्थान पर वो संचित होता है, उस निश्चित स्थान को अंतराप्रस्थ कहा जाता है। अब बात करते हैं सक्रिय केंद्र की, एक्टिव सेंटर्स की बात कर लेते हैं। सक्रिय जो केंद्र होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, एक्टिव जो सेंटर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक्टिव सेंटर्स, सक्रिय केंद्र कौन होते हैं? ध्यान देना कि किसी अधिशोषक की सतह पर पाई जाने वाली वो मुक्त संयोजकताएं, ठीक है ना, फ्री वैलेंसीज होती है कुछ, कि अधिशोषक की सतह पर पाई जाने वाली वो मुक्त संयोजकताएं जो कि दूसरे पदार्थों को अपनी सतह पर संचित करती हैं, दूसरे पदार्थों को अपनी सतह पर कैच करके और उनको रख लेती हैं, तो उन्हें सक्रिय केंद्र कहा जाता है। तो आप बोलोगे अधिशोषक की सतह पर पाई जाने वाली वो मुक्त संयोजकताएं
जो कि दूसरे पदार्थों को और बांधे रखती, दूसरे पदार्थों को और आकर्षित करती है, तो उन्हें सक्रिय केंद्र कहा जाता है। तो फिर सुन लेना, सक्रिय केंद्र क्या है? अधिशोषक की सतह पर पाई जाने वाली वो मुक्त संयोजकताएं जो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या दूसरे पदार्थों को अपनी सतह पर बांधे रखती हैं, तो उन्हें सक्रिय केंद्र कहा जाता है। तो ये सामान्य सी इनकी परिभाषा है, आप याद रखना। तो देखिए हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कुछ, तो उनमें अगली परिभाषा के रूप में धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण यानी वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक का अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाए, वह प्रक्रिया वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाए, यानी अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आकर बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाए, तो ऐसे प्रक्रम को धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। यानी वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य आकर बहुत अधिक मात्रा में संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। और इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा में ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण जस्ट ऊपर वाले से विपरीत कर देंगे ऋणात्मक अधिशोषण को, यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया या ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कम मात्रा में संचित हो, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कम मात्रा में संचित हो, तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। तो ऋणात्मक और धनात्मक ध्यान रखिए, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ का बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण होगा, वो एकत्रित होगा, तो बोलूंगा धनात्मक अधिशोषण, और जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य है वो कम मात्रा में एकत्रित हो, कम मात्रा में इकट्ठा हो, तो बोलूंगा ऋणात्मक अधिशोषण। तो अब थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना। और अब हम जो सामान्य क्रियाविधि है आम जीवन की, उसमें कुछ अधिशोषण के उदाहरण पढ़ते हैं। तो सामान्य क्रियाविधियों में अधिशोषण, सामान्य क्रियाविधियों में अधिशोषण के उदाहरण, यानी आम जीवन में अगर हम देखें तो अधिशोषण कहां कहां होता है, तो अधिशोषण के उदाहरण, तो सामान्य क्रियाविधियों में अधिशोषण के उदाहरण। पहला उदाहरण, एक पात्र में कई गैसें भरी हुई हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है, ऑक्सीजन भी है, एक पात्र में भरी हुई है, और उस पात्र में आप चारकोल, ध्यान से सुनिए मैं चारकोल बोल रहा हूं, चारकोल सुन लीजिए पहले क्या होता है। चारकोल लकड़ी का बना कोयला होता है, हम चूल्हे में लकड़ियां जलाते हैं और लकड़ी पूरी ना जले उससे पहले उसको हम बुझा लेते हैं, उसका कोयला बन जाता है, उस कोयले को आप बारीक पीस लीजिए वो चारकोल कहलाएगा। चारकोल, मैं कोलतार नहीं कह रहा हूं, कोलतार नहीं, चारकोल बोल रहा हूं, चारकोल आप याद रखना। लकड़ी के जो कच्चे कोयले को जब बारीक पाउडर के रूप में पीस ले तो उसे चारकोल बोलते हैं। तो मैंने अभी कहा कि कई गैसें एक पात्र में भरी हुई है, मैंने कहा कि जैसे Cl2 है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऐसी कई गैसें एक ही पात्र में भरी हुई है, और आप उसमें लकड़ी के कोयले का बना हुआ पाउडर अर्थात वो चारकोल मिला दीजिए, तो चारकोल क्या करेगा, अपनी सतह पर सारी गैसों को अधिशोषित कर लेगा, वो बारीक पाउडर जो लकड़ी के कोयले का बना हुआ है, वो बारीक पाउडर को बारीक कण और सारी गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेंगे, तो उस पात्र में उन गैसों के द्वारा जो दाब लग रहा था वो दाब कम हो जाएगा, उन गैसों द्वारा उस पात्र में दीवारों पर जो दाब लग रहा था वो दाब अचानक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही
आपने गैसों के उस पात्र में और चारकोल का पाउडर डाला तो चारकोल के पाउडर के जो कण हैं उन कणों ने क्या किया, अपनी सतह पर उन सारी गैसों को अधिशोषित कर लिया, जिससे उस पात्र में दाब अचानक कम हो जाएगा। तो ये अपने अधिशोषण का एक सामान्य उदाहरण है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, दो नंबर उदाहरण की बात करें, तो शर्करा का बना हुआ सॉल्यूशन जो होता है, याद रखना उसमें अशुद्धियां होती हैं, जैसे चीनी को साफ करते हैं, कहने का अर्थ गन्ने के रस से जब चीनी बनाई जाती है तो आप जानते हो कि जो जूस है गन्ने का रस है वो भूरे रंग का होता है, और भूरे रंग का होने का इसमें रीजन है कि उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो शर्करा है उसका सॉल्यूशन रंगीन होता है अशुद्धियों की वजह से, और आप उसमें चारकोल मिला दीजिए, और यहां चारकोल कौन सा काम लेना है, यहां आपको जंतु चारकोल काम लेना है। कौन से वाला जंतु चारकोल, जिसे जांतव चारकोल भी कहते हैं। जंतु चारकोल या जांतव चारकोल एक ही बात है, अर्थात पशुओं की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को जब जलाते हैं और उनका जो कोयला बन जाता है उस कोयले को हम जंतु चारकोल बोलते हैं। पशुओं की हड्डियों को जलाने से और जो कोयला बन जाता है उस कोयले को जंतु चारकोल या जंतु चारकोल कहा जाता है, और उस जंतु चारकोल को जब शर्करा के सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है तो वो जंतु चारकोल अपनी सतह पर उस सॉल्यूशन में जो रंगीन अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे वो शर्करा सॉल्यूशन साफ हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और चीनी जब बनती है तो फिर चीनी को जो सॉल्यूशन है, चीनी का घोल है, विलयन है, उसको इसी विधि से और इन्हीं जंतु चारकोल से ही उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस को अगर आप निकल और पैलेडियम धातु पर प्रवाहित करोगे, हाइड्रोजन गैस को, खास बात है हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में एक नंबर पर आती है, तो द्रव्यमान यानी परमाणु भार कम है, हल्की है, तो निकल और पैलेडियम धातु पर जब हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकल और पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यह भी और एक सामान्य क्रियाविधि का उदाहरण है अधिशोषण का। फिर हम बात करें कि पदार्थ जो विभिन्न पदार्थ हैं उनमें से नमी को हटाने के लिए और सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न पदार्थ हैं उनमें जो नमी होती है, गीलापन होता है, उसको हटाने के लिए और एक पदार्थ आता है सिलिका जेल। सिलिका जेल आपने जरूर देखा है, और ये पदार्थ जो नमी है उसको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। सामान्यतः आप देखना जब कभी आप जूते खरीदने के लिए और दुकान में जाओ, मार्केट में जाओ, तो आप देखना जूतों का जो डिब्बा होता है जिसमें जूते पैक होते हैं चमड़े के बने हुए या कुछ और, तो जो पैक डब्बे होते हैं उन पैक डिब्बों में और एक छोटी सी पुड़िया डाली हुई होती है जिसमें छोटी छोटी गोलियां बनी हुई होती हैं, और वो छोटी छोटी गोलियां सिलिका जेल होती हैं। तो विशेष तौर से जितने भी चमड़े के बने हुए जो पदार्थ हैं उन चमड़े के पदार्थ की पैकिंग करते समय और सिलिका जेल की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उन गोलियों को छोटे से पैकेट में डाल करके और उसमें साथ में डाल दिया जाता है, ताकि वो पैकिंग करते समय जो वायु अंदर रह गई थी उस वायु को वो सिलिका जेल की गोलियां अपनी सतह पर अधिशोषित कर लें, जिससे वो चमड़ा खराब ना हो। और चमड़ा है वो वायु से सबसे अधिक खराब होता है, तो सिलिका जेल है वो पदार्थों में से नमी हटाने हेतु काम में ली जाती है। और सिलिका जेल छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ये गोलियां अपनी सतह पर नमी को अधिशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से आप ये सामान्य क्रियाविधि में अधिशोषण के कुछ उदाहरण हैं वो याद रखना, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को दूर हटाना, विशोषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चौक को पानी में डुबोया और पानी चौक की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो गया, अब आप उस चौक अर्थात अधिशोषक है वो पानी अधिशोष्य है, तो उस चौक से आप उस पानी को वापस हटा रहे हो, तो उस चौक से अर्थात अधिशोषक से उस पानी को अर्थात अधिशोष्य को और दूर हटाने की क्रिया को विशोषण कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
विशोषण। और अब बारी आती है अवशोषण। अवशोषण तो याद रखना, अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया जब एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ की संपूर्ण सतह पर वितरित हो जाता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की संपूर्ण अर्थात मैं बोलूंगा पूर्ण आंतरिक परत तक वितरित हो जाता है, जब एक पदार्थ मतलब पर एक पदार्थ पर दूसरा पदार्थ और पूर्णतया आंतरिक भाग तक वितरित हो जाता है तो उसे अवशोषण कहा जाता है। जैसे आप रुई को और पानी में डुबोते हो तो पूरी रुई ऊपर से लेकर के अंदर तक गीली हो जाती है, पानी से भीग जाती है, तो वो क्या है, वो अवशोषण की प्रक्रिया है। जब एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ की आंतरिक परत में पूरी तरह वितरित हो जाता है तो उसे अवशोषण कहा जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके अवशोषण और अधिशोषण में अंतर, और इसमें से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि अधिशोषण और अवशोषण में दो अंतर है, तो आप ध्यान देना। अवशोषण तो याद रखना किसी पदार्थ के और संपूर्ण आंतरिक परत तक होने वाली क्रिया है। अधिशोषण तो क्या होगा, कोई पदार्थ है उसके ऊपरी भाग से लेकर के और आंतरिक जो अंदर वाली परत है उस तक संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। और अधिशोषण क्या है, पदार्थ के केवल ऊपरी पृष्ठ पर होने वाली एक अभिक्रिया है। तो इसमें तो क्या होता है, जो पदार्थ है वो संपूर्ण और भाग में वितरित हो जाता है। संपूर्ण भाग में वितरित होता है कौन, जो पदार्थ है, दूसरा पदार्थ आएगा और वो संपूर्ण भाग में वितरित हो जाएगा, और इसमें केवल वो पदार्थ ऊपरी पृष्ठ पर ही, केवल ऊपरी पृष्ठ पर ही संचित होता है, ऊपरी पृष्ठ पर ही संचित होता है। इसमें केवल ऊपरी पृष्ठ पर संचित होता है, इसमें वो पदार्थ ऊपरी भाग से लेकर के और आंतरिक अर्थात संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। फिर मैं बात करूं तो याद रखना जो आपकी अवशोषण है, अवशोषण प्रारंभ में याद रखना, अवशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, प्रारंभ में तीव्र गति से और बाद में मंद हो जाता है। प्रारंभ में तो तीव्र गति से होता है और बाद में मंद हो जाता है। अवशोषण की बात कर रहा हूं, अवशोषण प्रारंभ में तो तीव्र गति से होगा, बाद में धीरे हो जाएगा, और ये हमेशा समान गति से चलता रहता है। जो अधिशोषण है वो समान गति से होता रहता है पूरी प्रक्रिया में। जब तक आप पदार्थ को और दूसरे पदार्थ के अंदर रखोगे तो अधिशोषण की प्रक्रिया समान गति से चलती रहेगी। इसमें अवशोषण प्रारंभ में तेज होगा फिर मंद हो जाएगा, ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक ये एक पृष्ठीय अभिक्रिया है, ये सरफेस पर होती है, केवल ऊपरी भाग पर होती है, और ये एक स्थूल अभिक्रिया है अर्थात संपूर्ण भाग पर होती है। यह पदार्थ के संपूर्ण भाग पर होने वाली प्रक्रिया है अवशोषण, यह पदार्थ के केवल एक ऊपरी भाग पर होने वाली प्रक्रिया है। और फिर एग्जाम्पल की बात करूं तो याद रखना, जैसे O2 है और H2 है, इन गैसों का और चारकोल की सतह पर अधिशोषण, ये दोनों गैसें याद रखना, चारकोल मैंने कहा लकड़ी का बना हुआ कोयला है उसका पाउडर, तो ये गैसें चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। इधर वाले में बात करूं तो एक पदार्थ आता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम क्लोराइड याद रखना जल वाष्प का अवशोषण कर देता है। कैल्शियम क्लोराइड पाउडर नुमा होता है और जैसे ये नमी के संपर्क में आएगा तो नमी को पूरी तरह अपनी आंतरिक परत तक और उसको खींच लेगा और पूरा मतलब पूरा कण अंदर तक गीला हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड है के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण और चारकोल द्वारा H2 और O2 का अपने सतह पर अधिशोषण, ये सामान्य सी बातें याद रखना। और अवशोषण और अधिशोषण में प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में पूछा गया था।